And to sharing the platform at uh, 92.7 uh, FM in the month of sept September, which is Prostate Awareness Month. Gee, sir. Okay, let me just introduce, sir, first of all, jin ko pata who is he? He is a consultant, he's a urologist, he's a robotic surgeon, he's a kidney transplant surgeon uh, in the Sir Gangaram Hospital, New Delhi. So, man of many hats, and I think you're the perfect person to say this, sir. Ki सो so, सर मैं शुरू जो आई थिंक क्वेश्चन से करूंगा बहुत ही लेमन टर्म्स में क्योंकि आई uh, थिंक जितना ज्यादा लोगों को समझ आए उतना अच्छा है सो बेसिकली शुरू में करूंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या एंड यू नो क्या प्रॉब्लम होती है ड्यू टू प्रोस्टेट प्रोस्टेट सो ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो यूनरी ब्लैडर के पास में पेल्विस ऑफ अ मेल पेशेंट होती है फीमेल्स में ये नहीं होती है और okay. एक नॉर्मल बंदे में इसका रोल होता है टू गिव द क्वालिटी टू द सीमेन

मतलब क्यों कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए uh, किसी भी कैंसर की जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना अच्छा हम उसका इलाज कर सकेंगे और उतने ही अच्छे उसके आउटकम होंगे और दिस इज ट्रू फॉर द प्रोस्टेट कैंसर आल्सो इफ वी आर एबल टू डायग्नोस इट अर्ली वी हैव बीन अ कैपेसिटी टू क्योर इट तो अगर हम जल्दी डायग्नोस करेंगे तो हम उसका क्योर कर सकते हैं अगर हम लेट डायग्नोस करेंगे तो शायद हम कैंसर को कंट्रोल ही करते रह जाएंगे उसका पूरा क्योर right. नहीं कर पाएंगे

कुछ लोगों में प्रोस्टेट कैंसर की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन 55 साल के बाद यह जरूरी है कि आप अपने प्रोस्टेट कैंसर की एक स्क्रीनिंग जरूर करवा लें जो कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है सीरम पीएसए जिसके बारे में हो सकते हैं आगे डिस्कस करें बट या तो हम स्क्रीनिंग कराए या हमें कोई भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और खासकर उन लोगों को जिनके परिवार में पहले कैंसर या किसी और तरह के कैंसर या कैंसर प्रोस्टेट की हिस्ट्री रही हो All right. uh, sir, on, मैं ये पूछूंगा कि इसको होल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तो जैसे मैंने बोला सीरम पी एस एच इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन अगर ये किसी भी मरीज में किसी दूसरी वजह के अलावा बढ़ा हुआ है यानी कि 10 से ऊपर है नॉर्मल इसकी वैल्यू चार होती है अगर ये 10 के ऊपर है तो हम मान के चलते हैं कि इस बंदे को कैंसर है अंटिल वी प्रूव कि इसको कैंसर नहीं है चार से दस के बीच में ये ग्रे जोन में आता है या कोई भी मरीज जब हमारे पास आ, क्लिनिक पे आता है तो एज अ यूरोलोजिस्ट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक whether दिस एन लार्ज प्रोस्टेट इज सॉफ्ट और हार्ड इन कंसिस्टेंसी क्योंकि अगर ये हार्ड होगा तो यानी कि इसमें कैंसर होने के चांसेस हैं तो हार्ड प्रोस्टेट और बढ़ा हुआ पीएसए दीज आर टू मेन इंडिकेटर्स जो ये कहते हैं सो टेस्ट है। okay, well तो है, you know, so, करने के लिए किसी भी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी बहुत जरूरी होती है बायोप्सी okay. की हम उसे टिश्यू पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि इसमें कैंसर है या नहीं है और ये हर किसी कैंसर के लिए जरूरी चीज होती है कुछ लोगों की एक मिथ होती है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाएगा जो कि बेसलेस मिथ होती है तो उस पर ज्यादा विश्वास ना करे आम बंदा और बायप्सी से हम ये प्रूव करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है इसके अलावा एम हो गया पी एस एम ए पैटस्कैन हो गया जिससे हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये जो प्रोस्टेट हमारा कैंसर है ये किस स्टेज का है बहुत ही लेमेंट टर्म में अगर मैं समझाऊं तो किसी भी कैंसर को हम चार स्टेज में क्लासीफाई करते हैं पहली स्टेज अगर वो अपने थर्ड स्टेज तो की अगर वो लिम्फ नोड्स यानी कि उस रीजन में फैल चुका है जो कि प्रोस्टेट के अराउंड है और चौथी स्टेज अगर वो पूरी बॉडी में फैल चुका हो तो इस तरह से हम इन अम एंड लैंग्वेज हम क्लासिफाई करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजेस को All right, sir, I'm sure जिस तरह से आप समझा रहे हैं, बहुत ही सबको so, मैं बात अब की। में हमारे पास अगर कोई भी cancer stage one और और का है, बीमारी लोगों को होती है तो हमें फिटनेस ऑफ द पेशेंट भी मद्देनजर रखनी होती है सो इफ द डिजीज इज ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड इज फिट फॉर सर्जरी द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी यानी कि रोबोटिक के सारे एडवांटेजेस को यूज कर प्रोस्टेट कर को पूरी तरह से निकालना जो कि आजकल के जमाने में यस इट इज अ मेजर सर्जरी पर मॉर्बिडिटी यानी उससे होने वाली तकलीफें बिकॉज ऑफ द रोबोट काफी कम हो चुकी हैं अगर यही बीमारी स्टेज थ्री या स्टेज फोर की है जहां पर यह प्रोस्टेट के बाहर फैल चुकी है उस केसेस में हमारा मेन इंटेंशन इज टू कंट्रोल द डिजीज

पे आ जाएगी। अच्छा, okay, very interesting analogy there. So, मैं अगर अगर की बात करूं, इस treatment के बाद outcome क्या होती है, After treatment. So, अगर stage one और stage two की डिजीज है और हम उसके ऑपरेशन करके निकाल देते हैं तो आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारे बायोप्सी में फाइनल में यह आता है कि प्रोस्टेट का कैंसर पूरी तरह से निकल चुका है और उसमें कोई हाई रिस्क इंडिकेटर्स नहीं है

through uh, the social media, through the radio platforms, through the tv media, or through whatever information, so that you will become more aware about your health. and after this covid, you turn out to be a better man psychologically and as well as health-wise. all right. Uh, let me tell all of you once again, Yagar, abhi, you know, the igna that was dr. Vipin vepintyagi, consultant, urologist, a robotic surgeon, a kidney transplant surgeon from the sir gangaram hospital, new delhi.